आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। अब इसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं नजर आ रही। आईपीएल 14 का दूसरा सीजन 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। आईपीएल के आयोजन को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, जब से इंग्लैंड गई टीम इंडिया के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ गए। हालांकि अब सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, यानी आईपीएल का दूसरा सीजन होगा और उसी तरह का रोमांच एक बार फिर देखने के लिए हमें मिलने वाला है। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंग्लैंड गई टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और बाकी कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इसके बाद इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच रद्द कर दिया गया था। हालांकि सीरीज में 5 मैच खेले जाने हैं। आखिरी मैच 10 सितंबर से होना था, लेकिन मैच शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ये खबर सामने आई कि अब ये मैच नहीं होगा। हालांकि ये आखिरी मैच कब होगा, कहां होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली इस मामले में खुद ECB से बात करेंगे। अभी तो करीब एक महीने तक आईपीएल का दूसरा चरण होगा। इसके बाद UAE में ही T20 विश्व कप 2021 होना है। इसके बाद भी टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल तय है, यानी इस साल ये बचा हुआ मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल जब टीम इंडिया लिमिटेड ओवर की सीरीज के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, तब ये मैच खेला जा सकता है। हालांकि 4 मैचों में से टीम इंडिया ने 2 मैच जीते हैं, वहीं 1 मैच इंग्लैंड की टीम ने जीता था, 1 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था, यानी सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। इस बीच आईपीएल को लेकर अच्छी खबर ये है कि UAE रवाना होने से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ियों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, यानी अब आईपीएल का सीजन होने में कोई भी बाधा नहीं है। आईपीएल के लिए जो भी खिलाड़ी अब UAE पहुंचेंगे, उन्हें कम से कम 6 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद इनका फिर से टेस्ट होगा और फिर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही ये खिलाड़ी अपनी टीम के साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि इस बीच ये भी बात आपको बताना जरूरी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। आईपीएल 14 का दूसरा सीजन 19 सितंबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। आईपीएल अब शुरू होने में चंद ही दिन शेष है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। नया वीडियो लेकर हम आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।